अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की खबर ने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन इस घटना पर हो रही राजनीति से तो लोग और भी हैरान हो रहे। गैंगरेप का आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान निकला, उस पर आरोप लगे हैं और पीड़ित अति पिछड़े समाज की है। हाथरस से लेकर कठुआ और उन्नाव तक जब भी रेप की घटनाएं सामने आई, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा से लेकर ममता बनर्जी, सब अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत बीजेपी पर हमला बरते। अयोध्या में गैंगरेप का आरोप जो है वो मोहित खान पर लगा, जो मुसलमान होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी का नेता भी है, तो पूरा का पूरा इंडी गठबंधन मोहित खान का नाम नहीं ले पा रहा। और राजनीति का लेवल देखिए कि अखिलेश यादव को इस गैंगरेप में साजिश दिख रही है। चाहे अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, अपने वोट बैंक के लिए वो आरोपी का नाम लेने तक से बच रहे हैं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फंडा क्लियर है, जो भी अपराध करेगा उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी मोहित खान के साथ यही हो रहा है। मोहित खान की उस बेकरी को जमींदोज कर दिया गया है जहां पर नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। अयोध्या में हुए गैंगरेप के आरोपी मोहित खान को लेकर इंडी गठबंधन का क्या रुख है, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कांग्रेस ने अभी तक मोहित खान का नाम तक नहीं लिया है, ममता बनर्जी ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी तो ऐसे बयान दे रही है जैसे उसने मोहित खान को बेकसूर ही माना हुआ हो। सपा नेता अबू आजमी के मुताबिक पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। अफजाल अंसारी कह रहे हैं मोहित पर लगा आरोप साबित नहीं हुआ है। बात बात पर संविधान और पिछड़ों की वकालत का दावा करने वाले इंडी गठबंधन के नेताओं के मुंह में दही जम गई। अखिलेश यादव भी पीडीए भूलकर अब डीएनए की बात कर रहे हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव को, फिर बताऊंगा क्या अखिलेश भी अपने पिता की राह पर चलने लगे। ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। अखिलेश यादव कानून याद दिला रहे कि 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या यह सिर्फ अयोध्या के मामले में लागू होता है? और जितने केसेस अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में सामने आ जाएं, तब क्या अखिलेश यादव को आपने डीएनए टेस्ट की बात करते सुना है? किसी इंडी गठबंधन के नेता को डीएनए टेस्ट की बात करते सुना है? और लोग तो सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं अगर गैंगरेप हुआ है तो डीएनए टेस्ट से सबके आरोप कैसे साबित होंगे? यानी मतलब इंडी गठबंधन का गजब हिसाब है। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर किसी लड़की के साथ मारपीट हो जाए, वो महिला सांसद भी हो, तो भी उसे ही सबूत देना है कि उसके साथ जो हुआ वो हुआ था या नहीं हुआ था। वहां भी लड़की से सवाल है और बाकी इंडी गठबंधन चुप। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता पे आरोप लग गया तो इंडी गठबंधन चुप, वहां भी साजिश की बातें होने लगी, डीएनए टेस्ट की बातें होने लगी। चलिए डीएनए टेस्ट हो जाए, सारी जांच हो जाए, लेकिन यही कायदे कानून सब जगह लागू कीजिए सर। अखिलेश यादव का बयान आपने सुना, अब आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उसमें उन्होंने और लिखा क्या था। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगाया है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए। अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए, यही न्याय की मांग। लेकिन कोई अखिलेश यादव से पूछे कि आपने अपने नेता पे कार्रवाई क्या की, जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होता तब तक कम से कम लड़की के आरोप के आधार पर उसे पार्टी से निकाल तो देते, उस पर कोई एक्शन तो ले लेते, उस पर तो रत्ती भर एक्शन नहीं हुआ। क्यों? पब्लिक पूछ रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो आपकी पार्टी का नेता है, इसलिए, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक का खतरा है इसलिए। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव कह रहे हैं कि इस मामले में नार्को टेस्ट होना चाहिए। सुनिए शिवपाल को, फिर बताऊंगा अखिलेश की इस राजनीति की पोल मायावती ने कैसे खोली। जहां तक जो कार्रवाई हो रही है तो देखिए ये कहां का न्याय है, तो पहले तो कार्रवाई करें, कार्रवाई करके पुलिस से ही यहां का जांच करें, और जांच
करने के बाद उस पर कार्रवाई करे, तो ये कहाँ का न्याय है? नागपुर का होना चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे, यहीं पर हम ये भी कहेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन्हें सबका नागपुर टेस्ट होना चाहिए। कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। इन नेताओं के मुंह से आपने पहले ऐसे शब्द नहीं सुने होंगे। अखिलेश यादव के बयानों ने उनके विरोधियों को मौका दे दिया, क्योंकि विरोधी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो राजनीति कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए नई नहीं। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। वो लड़के जो रेप के आरोपी थे, उनके लिए मुलायम सिंह ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मुलायम सिंह यादव का यह बयान आज तक समाजवादी पार्टी के साथ चलता है, और अब अखिलेश भी गैंगरेप जैसे गंभीर घटना के आरोपी के लिए डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। इससे अखिलेश की संवेदना पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो किसके साथ है, आरोपी मोहित खान के साथ या पीड़िता के साथ। इसी तरह से आप देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के शीश महल में पिटाई हुई थी, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि उससे भी जरूरी कई चीजें। अब अखिलेश की इसी सोच और राजनीति पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। लोग इस बात से भी हैरान है कि अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की बात क्यों की। क्या यह खास वोट बैंक को मैसेज देना है कि वो उनके साथ हैं? अगर यह अखिलेश यादव की रणनीति है, तो मायावती ने उनकी इस रणनीति की पोल खोल दी। मायावती ने कहा कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन समाजवादी पार्टी का यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए? जबकि समाजवादी पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए। मायावती ने वो सवाल पूछा जो अखिलेश के बयान के बाद सबके मन में आ रहा था। जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे, तब रेप के कितने आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया था? बीजेपी ने भी अखिलेश की सोच पर हमला किया। एक बार बीजेपी को सुनिए, फिर बताऊंगा अयोध्या गैंगरेप में अखिलेश का नया दांव क्या। मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, वो रेप को गलती बताया करते थे, लेकिन अखिलेश यादव तो इस गैंगरेप को आज षड्यंत्र बताने का काम कर रहे हैं। एक 12 साल की मासूम बच्ची जो पिछड़े समाज की है, उसके साथ गैंगरेप हुआ है, आरोपी मुसलमान है, इसलिए समाजवादी पार्टी आज मजहबी तुष्टिकरण का तराना गा रहे हैं और इसे षड्यंत्र बता रहे हैं। घिनाती है अखिलेश यादव आपकी सोच पर। अखिलेश यादव सिर्फ डीएनए की मांग नहीं कर रहे, डीएनए टेस्ट की। अखिलेश यादव तो गैंगरेप की घटना को साजिश भी बता रहे। अखिलेश के मुताबिक यह बीजेपी की साजिश है, बीजेपी समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहती है, इसलिए उपचुनाव से पहले यह षड्यंत्र कर रही। अखिलेश ने यह भी कहा कि मुसलमानों को लेकर बीजेपी की सोच असंवैधानिक है। हैरान रह जाएंगे आप, एक गरीब पिछड़े समाज से आने वाली नाबालिग लड़की कह रही है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है, और अखिलेश यादव को इसमें साजिश और चुनाव को लेकर साजिश दिख रही है। सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी साजिश, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक रेप के आरोपी का धर्म बताकर पॉलिटिक्स जरूर हो सकती है कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा। क्यों भाई, वो मुसलमान क्यों है? रेप का आरोपी है ना, रेप का आरोपी रहने दीजिए। वैसे तो अब तक समाजवादी पार्टी को अयोध्या केस में आरोपी नेता पर एक्शन ले लेना चाहिए, लेकिन वो अपने नेता को बचाते ही दिख रहे हैं, क्योंकि गैंगरेप का आरोप लगने के बाद भी मोहित खान पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मोहित खान को पार्टी से अभी तक निकाला तक नहीं गया। मोहित खान के पक्ष में मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है, मुसलमान है इसलिए फंसाया जा रहा है का नैरेटिव बनाया जा रहा है। गैंगरेप का आरोपी मोहित खान अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है, अवधेश के साथ मोहित खान की कई तस्वीरें हैं, इसलिए मोहित खान पर अभी तक शायद कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो अभी तक समाजवादी पार्टी में बना हुआ है, जबकि यही आरोप अगर किसी बीजेपी नेता पर लगा होता तो अभी तक पूरा इंडी गठबंधन आसमान धरती एक कर चुका होता। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि मोहित पर लगे आरोपों की जांच के लिए पार्टी ने कमेटी बना दी है, वो जांच के बाद रिपोर्ट देगी। सुनिए अवधेश प्रसाद। जो भी आरोपी है, जो भी कल्पित है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, पार्टी में कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए, और जो भी आरोपी हो यहाँ तक
उसको फांसी दिलाई जाए, पार्टी से निकाला जाएगा क्या? पार्टी बने हुए हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है, उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है और दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। यानी अखिलेश यादव को अयोध्या गैंगरेप में साजिश लग रही, वो कह रहे हैं साजिश, और अवधेश जी कह रहे हैं कि उनके परिवार को सुरक्षा मिले, उनके परिवार पीड़ित के परिवार को जो है उसका स्वास्थ्य जो है उसकी रक्षा की जाए। क्यों भाई, अगर साजिश कर रही है, अगर डीएनए टेस्ट की बात चल रही है, मतलब चुनाव के लिए साजिश हुई है, फिर तो आप उसको झूठा मान रहे हैं फिर। लेकिन पीड़ित बच्ची की मां ने जो खुलासा किया वो अलग ही एंगल दिखा रहा है। गैंगरेप पीड़िता की मां ने कहा कि उनके परिवार को मिटा देने की धमकियां मिल रही हैं और धमकी देने वाले स्थानीय लोग हैं, बाहर से आकर कोई धमकी नहीं दे रहा है। सुनिए पीड़िता की मां को। आपको धमकी अभी भी दी जा रही है? हाँ, क्या कहा जा रहा है आपसे? चीन इतना ही धमकी दे रहा है कि अब मार डालेंगे। फोन पे आ रहा है कि सामने आके कह रहा है? नहीं, फोन पे नहीं। कैसी धमकी आ रही है, कौन दे रहा है? क्या कह रहे हैं वो लोग कि आपको क्षति पहुंचाएंगे, आपकी बच्ची को क्षति, आपके लड़के को, क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लोग कह रहे हैं कि सबको मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं मुसलमान लोग। यही के स्थानीय हैं या कहीं बाहर के? यही के रहने वाले, यही के रहने वाले, कहां बाहर के नहीं, भदरसा के। अयोध्या की घटना को लेकर अखिलेश यादव जितना बयानबाजी करेंगे उतना ही समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। ये तस्वीर देखिए जो लखनऊ की, जहां पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें अखिलेश के पिता का लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है वाला बयान छपा। इसी तरह से अयोध्या में भी लोग अखिलेश की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं डीएनए टेस्ट कराया जाए, क्या उनकी सरकार में कोई ऐसा नहीं हुआ? अभी तो बिटिया को न्याय की जरूरत है, इसमें डीएनए कहां से आ गया? कोई भी एक नेता उस बिटिया के पक्ष में नहीं बोला है, विपक्ष का। ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देना चाहिए। ये डीएनए की बात करने वाले ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जो लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। जो भी दोषी हो उस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे सब आने वाले युगों युगों तक याद किया जाएगा। अगर कोई गलती करता तो योगी शासन उसको कड़ाई से निपटेगा। किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, और इससे पूर्व जब समाजवादी सरकार में ऐसे कृत्य ऐसी घटनाएं हुई हैं तो डीएनए टेस्ट की बात इन्होंने तब क्यों नहीं की और अब क्यों करते हैं? इस तरीके की राजनीति थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए, एक छोटी सी बच्ची के उस पर राजनीति करेंगे, इसका तो इनको मिलेगा खामियाजा, भुगतना पड़ेगा ना। जिस अयोध्या ने समाजवादी पार्टी को चुना, फैजाबाद ने समाजवादी पार्टी को चुना, आज वही फैजाबाद अयोध्या के लोग पूछ रहे हैं कैसी राजनीति है।